हेलो फ्रेंड्स, मैं वर्षा और आज मैं क्यूब ट्रिक्स की सेकंड पार्ट बताने वाली हूँ। तो ये उन नंबर्स का ट्रिक है जिसमें लास्ट में वन होता है, ठीक है। जैसे नंबर हो गया 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कि फर्स्ट पार्ट में बताया आपको, ये वैसे ही सॉल्व होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी है। जैसे बताती हूँ, 41 का ले लीजिए क्यूब, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, तो जो लास्ट में यूनिट प्लेस होता है उसका हम क्यूब कर रहे थे, तो ऐसे ही अब हम इसका पहले क्यूब करेंगे, ठीक है। 4 का क्यूब 64, पहले हम इधर से लिख रहे थे, अभी हम इस साइड से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, लेकिन इसमें हम दूसरा तरीका बताएंगे। सबसे पहले 4 का क्यूब लिखेंगे, फिर 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16, फिर 4 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे। मीन्स अगर ए बी का क्यूब निकालना है तो ए क्यूब और ए स्क्वायर और ए और बी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम इन दो डिजिट को डबल करेंगे, 448 और ये 32, फिर इनको प्लस कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये 1, 8 और 4 12, 16 और 32 हो गया 48 और ये 64। अब हम क्या करेंगे, 1 को लिख दिया, 12 का 2 लिखा और 1 को 48 में प्लस किया तो 49। अभी 4 को यहाँ प्लस करेंगे तो 68, ठीक है। बहुत ही इजी है, जो हम पहले करते थे ना मल्टीप्लाई करके, उससे तो बहुत टाइम लगता था, ये तो केवल 5 सेकेंड में निकल आता है, ठीक है। चलिए अभी हम कोई दूसरी डिजिट लेते हैं, जैसे मैंने 61 ले लिया, इसका मुझे क्यूब निकालना है। क्या करेंगे, पहले क्यूब 6 का, फिर 6 का स्क्वायर और फिर 6 और 1। ये देखिए 1, 2, 3, 4 प्लेस मैंने बना लिए। 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब हो गया 216, फिर 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, फिर 6 और 1, ठीक है। अभी क्या करना है, इन दोनों को डबल करना है, 6 का 12, 36 का 72। अब इन दोनों को प्लस करना है, 1 लिखा, 12 और 6 18, 18 का 8 लिया और 1 इसमें प्लस किया, 6 36 और 72 और 1 को मुझे प्लस करना है, ठीक है। हो गया 9, 109, तो 9 ले लिया मैंने और इस 10 को यहाँ पे प्लस करना है, 622, मतलब 61 का क्यूब हो गया ये, ठीक है फ्रेंड्स। देखा कितनी जल्दी और कितना छोटा सा ही हुआ। और चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोग भी सॉल्व कीजिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।